नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे सेंसर हैं उससे रिले कैसे होल्ड करते हैं। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सेंसर से रिले कैसे होल्ड करते हैं। ये दो मेरे सेंसर लिए गए मैंने, एक PNP हमारा, एक NPN है। इन दोनों सेंसर से कैसे रिले होल्ड करते हैं कि बहुत से दोस्तों कमेंट आया था कि हमारे पास रिले, हमें होल्ड कैसे करें सर सेंसर से। तो मैंने सोचा चलो इनके बारे में एक वीडियो बनाई देता हूँ मैं। तो इसलिए मैं दोस्तों ये एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि सेंसर से रिले यदि कभी आपको होल्ड करना हो, उसके थ्रू सेंसर से रिले होल्ड हो जाए और उसे मोटर चल जाए हमारी, फिर वो कुछ मोटर से हमें पुश बटन से या टाइमर से कभी ऑफ करना हो आपको, तो किस प्रकार से करेंगे, ये सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों आज ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको किस प्रकार से आपको होल्ड करना है और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ओम रोम की रिले ली है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। MY2N 24 वोल्टेज है इसमें। इसकी डिटेल्स मैंने कौन सा NO है, कौन सा NC है, कौन सा कॉमन पॉइंट है और कॉयल की वायर कौन सी है, एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। यदि देख लिया आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा है तो वीडियो की या तो मैं आई बटन भी ऊपर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोनों सेंसरों के लिए मैंने दोस्तों दो रिले लिए, आप देख पा रहे, एक रिले ये है, एक रिले ये है। और ये एक सेंसर ये हमारा, ये देखिए PNP सेंसर हमारा, आपको दिखा देता हूँ। ये PNP सेंसर है। PNP का मतलब क्या है दोस्तों, वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमें PNP का मतलब पॉजिटिव आउटपुट देगा हमें। तो देखो तीन तार हैं ये हमारे, किसी किसी सेंसर में आप देखेंगे चार तार होगा, और कलर सेंसर हो गए तो उसमें बहुत ज्यादा तार होंगे, उसमें कलर के हिसाब से तार देते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेंसर देखेंगे PNP NPN कुछ NO और NC भी होते हैं उसमें। ये हमारा NO टाइप का है, ये हमारा NO टाइप का है। तो इसके बारे में भी दोस्तों मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया था सेंसर का भी, मैंने उसमें दिखाए थे सेंसर, एक ये 3 वायर का होता है, एक 4 वायर का होता है और एक 2 वायर का भी होता है। जैसे कई बार हमारा रेड स्विच आपने देखा होगा, यदि रेड स्विच नहीं देखा तो उसके बारे में मैं दोस्तों मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया रेड स्विच के बारे में। रेड स्विच में भी 3 वायर होते हैं और किसी किसी में 2 होते हैं, तो इसी प्रकार सेंसर में होते हैं। ये सेंसर दोस्तों इस प्रकार से है। तो ये दूसरा सेंसर है दोस्तों, दूसरा सेंसर देख पा रहे हैं आप NPN है। अब NPN का क्या मतलब है दोस्तों, देखो N से अब माइनस, ये प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये हमारे को नेगेटिव आउटपुट देगा। जो हमारे सेंसर हैं या वायर हैं, ये वायर के बारे में भी आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों आज मैं आपको। ये 3 वायर हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव का होता है, मतलब 24 वोल्टेज प्लस का होता है और ये 0 वोल्टेज माइनस का होता है, और ये हमारे को आउटपुट देगा। अभी NPN है, NPN का मतलब ये हमें माइनस में आउटपुट देगा, 0 वोल्टेज देगा, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। कई बार दोस्तों हमें पता नहीं होता कि कौन सा NPN है कौन सा PNP है, तो आप दोनों सेंसर को आपके पास कुछ भी नहीं है, या तो आप रिले ऑन करके देख सकते हैं या आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। क्या अब कोई भी डिटेल्स नहीं है हमारे पास इसमें, देखो यहाँ पेपर पर डिटेल्स होती है हमारी इस प्रकार से। अगर इसमें भी कुछ नहीं लिखा है और कहीं केबिल पे, कहीं किसी सेंसर में केबिल पे लिखा होता है, किसी सेंसर में यहाँ लिखा होता है, यदि कोई भी आपके पास डिटेल नहीं है, पुराना सेंसर है मान लीजिए आपके पास, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर से चेक कीजिए, इसमें 24 वोल्टेज दीजिए, फिर इसका आउटपुट है इसको ऑन करिए सेंसर को, और ऑन करके देखिए कि 0 वोल्टेज दे रहा है या 24 वोल्टेज प्लस दे रहा है या माइनस दे रहा है। अगर इसे 0 वोल्टेज देगा तो एक तरफ प्लस के लगाए एक तरफ इसमें लगाइए, और ऑन करके देखिए इसको, तो आपको पता चल जाएगा नेगेटिव दे रहा है। यदि माइनस से लगाकर आपको इसमें प्लस चेक कर रहे हैं आप, ये 24 वोल्टेज आपको दे देता है तो पॉजिटिव दे रहा है। तो इस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता कर सकते हैं, या आप रिले ऑन करके भी देख सकते हैं। ये दोनों सेंसर को इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। जैसे ये मेरा सेंसर है, इसे मैंने फिलहाल तो लिख रखा है लेकिन यहाँ कहीं भी डिटेल्स नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें चेक करने के लिए ये सहायता लेनी पड़ेगी। आप रिले ऑन करा के देख लीजिए या फिर मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है, यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, बाय द वे
तो आप रिले ऑन करा के देख लिए, यदि रिले नहीं है तो आप मल्टीमीटर ऑन करा के देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, सीक्वेंस वाइज मैं आपको पहले एक सेंसर और एक रिले ऑन करके दिखाता हूँ। ये पीएनपी सेंसर है, इसको होल्ड भी करके दिखाता हूँ, फिर इसको आपको ऑफ करके दिखाऊंगा। ये मैंने पुश बटन ले लिया है ऑफ करने के लिए, क्योंकि ऑफ करना भी हमारा जरूरी है, तो ऑफ करके इसको पुश बटन से मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या करेंगे, कैसे वायरिंग करेंगे, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों रिले लगा लेते हैं। रिले में यहां से मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, नेगेटिव हमने लगा दिया, कॉइल पे ले लिया ये वायर, और यहाँ पे मैं नेगेटिव का जो आप देख पा रहे हैं मेरे एसएमपीएस, यहाँ प्लस का है और ये नेगेटिव, आपको निशान भी दिख रहा होगा प्लस का और ये माइनस का है। तो यहाँ मैं आपको लगा देता हूँ। आज एक एक वायर आप देखेंगे दोस्तों, उसी वायर की सहायता से आप सीख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, माइनस से मैंने यहाँ पे कॉइल पे तार दे दिया। अब दूसरा मैं यहाँ पे ये यह हमारा सेंसर, इसका भी वायर लगा लेता हूँ। तो ये वायर हमारा पॉजिटिव का होता है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव हम लगा लेते हैं। सबसे पहले ये काम करेंगे आप, तो ये हमें पॉजिटिव हमने लगा लिया है, उसके बाद में ये नेगेटिव होगा हमारा, तो नेगेटिव भी लगा लेते हैं, ये नेगेटिव भी हमने लगा दिया दोस्त। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा को आउटपुट वायर बच गया, ये कहां लगाएंगे, और यहां हमें नेगेटिव इसमें क्यों दिया पहले, ये भी एक कारण है दोस्तों, क्योंकि हमें ये पीएनपी सेंसर आपको पता है, और पीएनपी हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, मतलब 24 वोल्टेज प्लस देगा, तो हमें प्लस यहां से मिल जाएगा और माइनस यहां पे आपको ऑलरेडी लगाना होगा। तो यहां चलते हैं, ये प्लस का वायर लगा देते हैं। ये रीजन है दोस्तों इसमें प्लस का माइनस देने का, पहले हमने माइनस इसीलिए लगाया था, ये वायर माइनस वाला वायर हमारा है, ये पहले मैंने इसीलिए लगाया था ताकि वहां से हमें सेंसर से पॉजिटिव मिलेगी और माइनस हमको यहां से मिल जाएगी। तो जब मैं सेंसर को ऑन करूंगा तो ये रिले ऑन होगी, लेकिन होल्डिंग कैसे करेंगे वो ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले सेंसर से आपको रिले ऑन करके दिखा देता हूं ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले आप रिले ऑन कीजिए, ये देखिए, अब मैं सेंसर से, ये देखो आपको सेंसर से रिले ऑन होती हुई दिख रही होगी, ये देखिए दोस्तों इसमें एलईडी आपको दिखेगी, ये देखिए, और सेंसर भी मेरा ऑन होता हुआ दिख रहेगा आपको। सेंसर में भी मैं दिखा देता हूँ लाइट, ये देखिए, इस प्रकार से सेंसर मैं लगा रहा हूँ, देखो एक बार तो ऑन हो रही है लेकिन बाद में बंद हो जाती है, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि दोस्तों ये सेंसर एक बार ऑन किया तो रिले ऑन ही रहे, वो किस प्रकार से करेंगे, मतलब होल्डिंग इसको कैसे देंगे, कौन सा कॉमन पॉइंट होगा इसमें, और किस कौन सा एनो कौन सा एनसी है, और फिर हम कहाँ लगाएंगे वायर, वो सभी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। आगे दोस्तों देखिए, पुश बटन मैंने ले लिया है एनसी पॉइंट, इसमें कॉमन दोनों तरफ वायर लगा दिया मैंने ऑलरेडी, तो आप भी लगा लीजिए। फिर इसमें दोस्तों सबसे पहले आप प्लस पॉइंट पे लगाएंगे, ये बात विशेषकर इसको ध्यान रखना दोस्तों इसमें, कि सबसे पहले हमें प्लस पे ही लगाएंगे इसमें, यदि आप पीएनपी सेंसर लगा रहे हैं तो। एन पे लगाएंगे उसके लिए कैसे वायरिंग होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, अभी फिलहाल मैं पीएनपी सेंसर की ही बात कर रहा हूँ। फिर इसमें कॉमन पे लगाइए। अब सबसे दोस्त हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि कॉन्टेक्टर होता है उसमें एनओ पे लगा देते हैं, हमें पता रहता है 13-14 नंबर इसमें, लेकिन कॉमन होता है, तो कॉमन कौन सा है, तो मैंने रिले आपको दिखाई दी, कॉमन हमारा इसमें इस रिले पे आप देखेंगे यहां से और यहां पे जाएंगे तो ये हमेशा आपको कॉमन मिलेगा, जो ये क्वाइल के ऊपर है ये हमेशा कॉमन मिलेगा, ये बात का विशेषकर आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस तरफ ये क्वाइल हमारी उसके आगे ऊपर कॉमन होता है उम्रों में, और इसमें दो एनओ दो एनसी होते हैं दोस्तों, हमारे सीक्वेंस है वो दो एनओ दो एनसी का है। तो आपको क्या करना है, ये लाइन आप देखेंगे इस तरफ की लाइन, ये क्लियर ये लाइन रहेगी और एक ये लाइन, दो इसमें है, एक एनओ एनसी इधर है और एक एनओ एनसी इधर है दोस्तों, तो दो एनओ एनसी यूज किए गए। तो आपको क्या करना है कि ये रूट ही यूज करना आपको, एक ही रूट सिर्फ, कॉमन से लिया हमने, यहां से लिया एसएमपीएस से, पुश बटन पे लगा दिया, पुश बटन से कॉमन पे लगा दिया, अब कॉमन से एनओ से वायर उठाएंगे और उठा के क्वाइल पे हम लगा देंगे। तो चलते हैं, वो भी मैं आपको लगा देता हूँ। तो अब दोस्तों मैंने क्या किया है कि देखो, ये कॉमन हमारे पुश बटन है, ये कॉमन पे लाके लगा दिया है, हमेशा इसमें एनओ से लेंगे दोस्तों होल्डिंग के लिए, तो एनओ हमारा ऊपर वाला होता है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, और नीचे वाला है ये हमारा एनसी होता है, ये बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला एनओ होता है और ये एनसी होता है,
और यदि आपको इसकी पर्टिकुलर ड्राइंग चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करके बता देंगे तो मैं ड्राइंग के बारे में भी आपको बता दूंगा। उससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत सी वीडियो बनाई थी फ्री रिले के बारे में, लिमिट चूज के बारे में, कॉन्ट्रेक्टर के बारे में, स्टार डेल्टा के बारे में और सीमेंस और फानुक के बारे में बताया था और SMI के बारे में बताया था और PLCM प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन कैसे लेते हैं, तो वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएंगे आपको। प्ले लिस्ट में देखेंगे तो बहुत सी वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं। यदि कुछ वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ऑन करके देखिए, सेंसर लेते हैं हमें और ये देखिए हमारी रिले, एक बार मैंने सेंस किया अब कुछ नहीं होगा। जब ये रिले की आप लाइट देख रहे हैं, ये ऑन हो गई हमारी। अब देखो यहाँ से मैं बंद करता हूँ, ये देखो बंद हो गई हमारी। एक बार आप देखेंगे तो ये बंद हो जाएगी, तो इस प्रकार से ये रिले की लाइट बंद हो जाएगी हमारी। फिर से दोस्तों मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ ताकि देखिए, ये हमारे लिमिट स्विच लिया हमने, तो इस प्रकार से दोस्तों इस पुश बटन से आप ऑफ करा सकते हैं होल्डिंग, और सेंसर से देखो हमने ऑन करा दिया है और पुश बटन से मैं बंद करा रहा हूँ। तो इस प्रकार से सर्किट आप कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें कॉमन आपको के ऊपर ये हमारा कॉइल के ऊपर होता है वायर, वो कॉमन होता है, और ये ऊपर ये वाला ऊपर वाला इधर NO होता है, ये NC होता है। और इसमें पॉजिटिव हमें इस हमारे जो ऑफ पुश बटन इसमें घुमाएंगे और ये कॉमन पे लगाएंगे पॉजिटिव का। ये PNP सेंसर का है दोस्तों, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब NPN में कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, NPN में क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने पूरी वायरिंग हटा दी है। अब ये हमारा NPN मैंने सेंसर लिया है, इसका वायर नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने लगा दिया है। अब ये आउटपुट का वायर है, तो आउटपुट हम यहाँ पे कॉइल पे लगा देंगे। सबसे पहले इधर ये कॉइल पे लगा देंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। आउटपुट हमने कॉइल पे लगा दिया दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि आपको पता होना चाहिए आउटपुट क्या देगा। ये हमारा NPN सेंसर है, तो देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, ये NPN ये आउटपुट क्या देगा वो हमें पता होना चाहिए। तो आपको पता है, मैं पहले बताया था दोस्तों, NPN आउटपुट हमें नेगेटिव में देता है, जीरो वोल्टेज देगा ये। तो हमें दूसरे सिरे पे हमें क्या लगा, जीरो वोल्टेज हमें सेंसर में मिलेगी, दूसरे सिरे पे क्या लगाएंगे ताकि हमारे रिले ऑन हो जाए दोस्तों। तो आपको पता है, दूसरे सिरे पे हम प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस हमें ऑलरेडी सेंसर से मिल रहा है, तो दूसरी तरफ हम प्लस लगाएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको दूसरा वायर यूज कर रहा हूं मेरा, और ये सीधा प्लस पे लाके लगा दूंगा, तो यहां लगा देंगे। इससे पहले वाले में देखेंगे तो अलग आपको मिलेगा दोस्तों, जो हमारा PNP सेंसर था उसमें अलग होगा, थोड़ा देख लेना आप। अब ये हमारे प्लस पे हमने लगा दिया है। अब फिर एक बार रिले आपको ऑन करके दिखाता हूं मैं दोस्तों। सबसे पहले आपको रिले हमारी ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो आप देख लीजिए। ये देखें दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देता हूं क्लियर। देखिए अभी मैं सेंसर को ऑन कर रहा हूं, तो ये रिले ऑन हो रही है, ये देखिए। अब हम इसको होल्डिंग देंगे। अब ये सबसे खास बात है दोस्तों, होल्डिंग कैसे देते हैं। उसमें मैंने PNP सेंसर जो हमारा है ये, इसने बताया था होल्डिंग कैसे देते हैं। इसमें थोड़ा अलग होगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा NPN सेंसर है, और यही एक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि NPN हमें होल्डिंग कैसे दें। ये कंफ्यूज होने की बात है दोस्तों, क्योंकि उसमें हमें अलग दिया था और इसमें हमें अलग दिया है। आपको पता है कि उसमें मैंने नेगेटिव को डायरेक्ट लगाया था और पॉजिटिव हमें सेंसर से मिलती, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, पॉजिटिव मैंने पहले लगाया यहाँ पे और फिर नेगेटिव हमें सेंसर से मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों होल्डिंग के लिए, ये सबसे खास बात है। तो होल्डिंग के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव आपको होल्डिंग लेना है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि आपको नेगेटिव छेड़ना नहीं है, लेकिन NPN सेंसर में दोस्तों ये विशेषकर ध्यान रखेंगे, हमें नेगेटिव ही सबसे पहले लेंगे। होल्डिंग के लिए हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा दोस्तों, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे खास बात है दोस्तों। होल्डिंग के लिए हमें ये नेगेटिव हम ले लेंगे। नेगेटिव का मैंने वायर लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ माइनस का निशान आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ प्लस का दिख पा रहे हैं। तो यहाँ मैंने इस पुश बटन पे लगा दिया है, और पुश बटन पे लगाने के बाद में दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कॉमन पे लगा दिया है। इसका कॉमन का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो कॉइल है, कॉइल के ऊपर हमेशा कॉमन होता है दोस्तों, उसके ऊपर यहाँ पे बराबर में NO होता है और नीचे NC होता है। अब ये वायर हटा के हम क्या करेंगे, कॉइल पे लगा देंगे।
तो क्वाइल का मतलब क्या है कि जहां पे सेंसर की वायर लग रही थी दोस्तों, वहां ही हमें ये लगाना है। जो हमारा सेंसर था वही हमें ये लगाना है, क्योंकि सेंसर से एक बार हमें आउटपुट मिलेगी। सेंसर हम ऑन करेंगे तो हमें एक बार ऑन हो जाएगा हमारा, लेकिन होल्डिंग हमारा यही करेगा। तो इसलिए इसको इसी प्रकार आप लगाएंगे, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारी ऑन हो गई है ये रिले। अब मैं देखो यहाँ से आप ये बत्ती आपको दिख पा रही होगी, एक ग्रीन बत्ती। अब ये पुश बटन से मैंने ऑफ कर दिया है। अब फिर से आपको देखिए ये सेंसर से ऑन कर दिया है, और देखो पुश बटन को मैं एक बार दबा रहा हूँ तो ये बंद हो गए। तो ये हमारे इसमें नेगेटिव का होल्डिंग देंगे, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना। देखिए ये मैंने यहाँ पूरा नेगेटिव उठाया यहाँ से और इसमें घुमा दिया है, ये कॉमन पे लगाया, फिर इसके अन्नों से सिरे से निकाला मैंने और ये घुमाकर यहाँ कॉइल पे लगा दिया, जहाँ हमारा सेंसर की वायर लगी हुई थी ब्लैक वाली। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, देखिए जहाँ ये ब्लैक वाली सेंसर की वायर लगी है यहाँ ही मैंने लगाया इसको। और ये है, ये हमारे को इसको पॉजिटिव देना पड़ेगा एक साइड में। तो एनपीएन पीएनपीएन की दोनों से रिले आप इसी प्रकार से ऑन करा सकते हैं दोस्तों। ये हमारी रिले देखिए ऑन हो गई है, और फिर ये हमारी, इससे मैं आपको ऑफ करा दूंगा। तो इस प्रकार से ये वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों, पीएनपी और एनपीएन दोनों सेंसर से होल्डिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है बोलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।